ऑनलाइन क्लासेज और यूनिवर्सिटी फीस माफी के हक में तलबा मैदान में आ गए। हुकूमत को मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक की धमकी दे दी। बात याद रखे कि जब एक दफा तलबा निकल जाए तो वो किसी की नहीं सुनते, उन्हें कंट्रोल करना फिर हमारे बस की बात नहीं होगी, फिर उसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी, हुक्काम बाला होंगे, हाकिम वक्त होगा और एचईसी के चेयरमैन होंगे। 12 जून तक हमारे मुतलबा सुने जाए वरना पूरे मुल्क के तलबा सराफा एहतजाज होंगे, कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा और फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत को एक डेड लाइन दे रहे हैं, 12 जून तक मुतालबात नहीं माने गए तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। तलबा मेंटली और फिजिकली तौर पर एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं थे, हमारी सेमेस्टर प्रमोशन करवा देंगे, मैं खुद भी बोल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। दोस्तों वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आगे नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। इंशाल्लाह अभी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलनी है प्रमोशन के बारे में और इसके तरफ HEC के बारे में। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट आपको मिलती रहे लम्हा बलम्हा। तो अभी हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज जो दुनिया न्यूज़ की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि HEC ने क्या कहा है, उसको HEC ने इंटरव्यू दिया। HEC ने उस इंटरव्यू में कहा कि स्टूडेंट्स को प्रमोशन नहीं मिल सकती, कुछ वजूहत उन्होंने बयान की। तो मैं आपको आगे बताऊँ कि अभी स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले ही ट्विटर पर अकाउंट बनाया, इसके अलावा एक ट्रेंड चलाया बायकॉट ऑनलाइन क्लासेस का। इसके अलावा उन्होंने प्रमोशन के बारे में कहा कि यूनिवर्सिटी को प्रमोट किया जाए जो सेमेस्टर सिस्टम है। इसके अलावा अभी HEC का जो रद्द अमल आ रहा है कि तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जा सकता, उन्होंने लाइव भी एक वीडियो दिखाई, लाइव भी उन्होंने आके बताया। अभी स्टूडेंट्स इत्तेजाज कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि HEC ने वाजिया कर दिया कि स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा, फ्री में डिग्री नहीं दी जा सकती। तो इसी तरह अभी स्टूडेंट इत्तेजाज कर रहे हैं। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने डेड लाइन दे दी 12 जून 2020 को। तो अभी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि 12 जून को क्या सूरत हाल होती है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि रोज़ बरोज़ पाकिस्तान में COVID-19 की सिचुएशन ख़राब हो रही है, इसमें इजाफा हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को बहुत से खदशात हैं, इसलिए HEC जो है वो सख्त फैसले कर रही है। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर भी अपनी राय की, इसके अलावा फेसबुक पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना एहतजाज किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे लाजमी जो रिकॉर्ड करवाएं ताकि HEC को इसके अलावा हुकूमत को पता चल सके। तो कुछ यूनिवर्सिटी ने डेट शीट अनाउंस कर दी है, शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है और कुछ यूनिवर्सिटी ने प्रमोशन का भी अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी ऑनलाइन जो कंसेप्ट है वो अभी पाकिस्तान में पहली बार आ रहा है। HEC कह रहे हैं कि वो आजमा रही है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सिस्टम में लाया जाए, लेकिन अभी बहुत से स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, बहुत से यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं जो ऑनलाइन सिस्टम पर मुतफिक नहीं है, उनकी राय जो है वो मुख्तलिफ है। तो इसके बारे में अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, अभी तक स्टूडेंट्स भी एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा HEC ने भी वाजिया किया हुआ है कि पेपर होंगे, कोई कैंसिल नहीं हुए, प्रमोट कोई किसी क्लास को नहीं किया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी अपडेट आती है आपको लम्हा बलम्हा जल्द अज जल्द बता दी जाएगी। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।